नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला के नए एपिसोड एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्रवाल, एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 सर्टिफाइड हूं। तो मित्रों, एनआईएसएम की रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम पास करके आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप चाहें तो NISM की रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम को पास करके एक अच्छे जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। और इस एग्जाम को कैसे प्राप्त किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं, एक प्रश्न होता है, कुछ उत्तर होते हैं और उसमें सही उत्तर आपको चुनना होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी राइज प्राइस ऑफ द बॉन्ड वुड बी, आंसर है नंबर 1 फॉल, नंबर 2 राइज। देखिए, बॉन्ड के जो प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट के अपोजिट चलती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाती है और जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाती है। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्वेश्चन है, इसलिए बॉन्ड प्राइस को फॉलिंग होना पड़ेगा। नंबर 2, Which of the following is a non-cash charge? Number A, amortization of capital expenses. Number 2, B, depreciation. C, interest on foreign borrowing. तो यहाँ पर सही उत्तर है A and B, amortization of capital expenses and depreciation. ये जो है non-cash charge होते हैं किसी company में। Question number 3 है, What is the earning yield? If the price of a stock is rupees 195 and earning per share EPS rupees 13, तो यहां पर चार उत्तर दिए गए हैं। पहला है 15%, दूसरा है 6.67%, तीसरा है 0.067% और चौथा है 0.15%। इसमें सही उत्तर है ब्लू कलर का 6.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How is price to earning ratio calculated? EPS को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? चार आंसर है, उसमें से एक सही है। नंबर ए, PE, EPS से PE को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग, PE। तो यहां पर आंसर है चार। पहला आंसर है EPS, अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। नंबर 2, करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस, यानी सी है करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। चौथा है अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो यहां पर सही फार्मूला है करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो ये ब्लू कलर का सही उत्तर है। इस प्रकार आपको हम हर एपिसोड में अलग अलग बहुत आसानी से प्रश्न और उनके उत्तर बता रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की क्लास ज्वाइन करना चाहिए और हमारी शेयर मार्केट की पाठशाला 1 वीक में आपको टेक्निकल एनालिसिस का संपूर्ण ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इक्विटी प्लस डेरिवेटिव प्लस निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी प्लस ऑप्शंस यानी कॉल एंड पुट ऑल इन वन परफेक्ट नॉलेज थ्रू विच यू कैन अर्न प्रॉफिट। शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो चार बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कब खरीदें, कब बेचें, क्या खरीदें और क्या बेचें। तो आइए, अगर शेयर मार्केट की पाठशाला आपको ज्वाइन करना है तो मैं हूं इंदौर से राकेश अग्रवाल, मेरा मोबाइल नंबर है 8319272340 पर संपर्क करें और ये 1 वीक की क्लास शेयर मार्केट की पाठशाला आपको जिंदगी भर पैसा कमाना सिखाएगी। तो मित्रों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।